आजकल हम न्यूज में आईपीओ वर्ड बहुत सुनते हैं और बहुत सारी फेमस कंपनीज अपना आईपीओ करती दिखती हैं। तो आखिर इस आईपीओ का मतलब क्या है और इससे कंपनीज को क्या फायदा होता है, चलिए इस वीडियो में समझते हैं। आईपीओ को समझने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि एक कंपनी की ओनरशिप कैसे काम करती है। एक कंपनी दो टाइप की हो सकती है, प्राइवेटली ओन्ड या पब्लिकली ओन्ड। जैसा कि हम नाम से समझ सकते हैं, प्राइवेट कंपनीज के मालिक होते हैं उसके फाउंडर्स, मैनेजमेंट, फैमिली मेंबर्स या प्राइवेट इन्वेस्टर्स। पब्लिक कंपनी के केस में ओनरशिप शेयर्स के रूप में होती है। ये शेयर्स एक्सचेंज पर खरीदे या बेचे जा सकते हैं और किसी के लिए भी खरीदने के लिए अवेलेबल होते हैं। एक पब्लिक कंपनी के शेयर खरीदने से एक आम आदमी अपना पैसा कंपनी में इन्वेस्ट करता है और उसका शेयर होल्डर बन जाता है। IPO, जिसका फुल फॉर्म होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, एक कंपनी का प्राइवेट से पब्लिक होने का ट्रांजिशन होता है। IPO के सहारे एक प्राइवेट कंपनी पहली बार अपने शेयर्स पब्लिक को ऑफर करती है खरीदने के लिए, और IPO खत्म होने के बाद ये कंपनी सिक्योरिटीज और एक्सचेंज बोर्ड पर लिस्ट हो जाती है और उसके शेयर्स किसी भी अन्य शेयर्स की तरह ट्रेड किए जा सकते हैं। ज्यादातर कंपनी तब IPO करने की सोचती हैं जब वो काफी लार्ज स्केल पर ग्रो कर गई हों और अपने बिजनेस गोल्स को पूरा करने के लिए पब्लिक से पैसा उठाना चाहती हों। फिर अंडरराइटर्स और इन्वेस्टमेंट बैंक्स के सहारे कंपनी का वैल्यूएशन होता है, शेयर्स की ऑफरिंग प्राइस डिसाइड होती है, IPO के लिए सही टाइम चुना जाता है और मार्केट में फिर उसके प्रमोशंस किए जाते हैं। चलिए अब ये जानते हैं कि एक कंपनी को IPO से क्या फायदे हो सकते हैं। इससे एक कंपनी बहुत सारा पैसा रेज कर सकती है अपनी ग्रोथ और एक्सपेंशन के लिए। इससे उन्हें एक लार्ज पॉपुलेशन का एक्सेस मिल जाता है, जिसमें ऐसे नागरिक होते हैं जो कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने में इंटरेस्टेड होते हैं। इससे कंपनी के फाउंडर्स और इन्वेस्टर्स को लिक्विडिटी मिल जाती है, यानी कि वो अपना हिस्सा बेचकर अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं और शुरू में ही बिजनेस में इन्वेस्ट करने का लाभ उठा सकते हैं। IPO करने के पहले सिक्योरिटीज और एक्सचेंज बोर्ड बहुत ही ठोक पीट कर कंपनी की चेकिंग करती हैं और उनके रेगुलेशन सेट करती हैं। इस कारण कंपनी के वर्किंग्स ट्रांसपेरेंट हो जाते हैं और उनका नाम ट्रस्टवर्दी हो जाता है। इस ट्रस्ट की वजह से बैंक्स भी उनको बहुत आसानी से बड़े बड़े फंड्स दे देते हैं काफी चीप इंटरेस्ट रेट पर। IPO करने से किसी कंपनी का नाम काफी बड़ा और जाना माना हो जाता है। इससे उनके प्रोडक्ट की अवेयरनेस आ जाती है और उनके सेल्स और प्रॉफिट्स भी बढ़ जाते हैं। लोगों के मन में गलत फहमी होती है कि पब्लिक कंपनीज प्राइवेट कंपनीज से कहीं ज्यादा बड़ी हैं। यदि आप डेल, हुवावी या डेलॉइट जैसी बड़ी कंपनीज का एग्जाम्पल ले तो वो प्राइवेट कंपनीज होते हुए भी पब्लिक कंपनीज की टक्कर की हैं। पब्लिक जाना एक कंपनी की कॉन्शियस चॉइस होती है और ये कदम वो बहुत सोच विचार कर ही लेती हैं। IPOs की पॉपुलैरिटी और क्रेज के पीछे हम अक्सर ये भूल जाते हैं कि किसी कंपनी का IPO होना उसके सक्सेस का दावा नहीं होता। IPO के शेयर्स आकर्षक और फायदेमंद तो लगते हैं, पर जरूरी नहीं कि आगे चलकर इन शेयर्स की कीमत बढ़ती रहे। कई कंपनियां जिनसे IPO के वक्त बहुत हाई होप्स थी, कुछ साल बाद खत्म भी हुई हैं। जैसे कि रिलायंस पावर जैसी फेमस कंपनी वक्त के साथ अपनी शेयर प्राइस में 98% से गिर गई। इसीलिए जरूरी है कि किसी IPO में इन्वेस्ट करने के पहले आप उसके बारे में अच्छे से रिसर्च कर लें। चलिए ऐसे पॉइंट्स को समझते हैं जो कि IPO में इन्वेस्ट करने के डिसीजन में मदद कर सकते हैं। पहला, कंपनी का DRHP प्रोस्पेक्टस पढ़ें जो वो IPO के पहले रिलीज करते हैं। इसमें उनके टारगेट मार्केट, कॉम्पिटिशन, पहले की परफॉर्मेंस, एसेट्स और लाइबिलिटीज का डेटा होता है और साथ ही वो ये बताते हैं कि वो पब्लिक का पैसा किस चीज के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। जैसे कि यदि वो पब्लिक का पैसा अपने उधार चुकाने के लिए कर रहे हैं और उनकी कंपनी प्रॉफिट में नहीं है तो उसका IPO इग्नोर कर सकते हैं, पर यदि वो पैसा ग्रोथ और एक्सपेंशन में डाल रही है तो IPO से अच्छे रिटर्न्स मिलने की संभावना है। दूसरा, कंपनी के लोगों के बारे में जांच कर लें, जैसे कि उसके इन्वेस्टर्स, फाउंडर्स या प्रमोटर्स, और ये देख लें कि उनका एक्सपीरियंस क्या है, ट्रैक रिकॉर्ड कैसा रहा है इत्यादि। तीसरा, ये चेक कर लें कि कंपनी जिस मार्केट में एंटर कर रही है उस मार्केट में ग्रोथ का स्कोप कितना है, उनके प्रोडक्ट का डिमांड कितना है और वक्त के साथ उनके प्रोडक्ट का रेलेवेंस कितना रहेगा। चौथा, रिस्क फैक्टर्स को भी समझ लें कि मार्केट में क्या फ्लक्चुएशंस या अनसर्टेनिटीज हो सकती हैं और अपना कितना पैसा लगाना आप रिस्क कर सकते हैं। एक बार आपकी रिसर्च पूरी हो जाए और अपने डिसीजन पे आपको कॉन्फिडेंस आ जाए तो बेशक किसी IPO में इन्वेस्ट कीजिए। IPO में शेयर्स खरीदने के दो तरीके होते हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन। ऑनलाइन ऑप्शन में आप किसी ब्रोकरेज फर्म जिनके पास IPO के शेयर्स आए हैं वहां से खरीद सकते हैं, जैसे कि Zerodha से या ग्रो या अपस्टॉक से। और ऑफलाइन ऑप्शन में आप अपने लोकल ब्रोकर से कॉन्टैक्ट करके IPO का फॉर्म पा सकते हैं और उसे भरकर जमा कर सकते हैं। आशा करते हैं कि हम आपको IPO से जुड़ी बेसिक जानकारी दे पाए। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए नीरा चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।